Assalamualaikum everyone. आज हम बनाएंगे चिकन रोस्ट। मैंने दो चिकन लिए हैं, फुल चिकन। इनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आइए चले देखते हैं। इसमें जाएगा एक खाने का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, एक खाने का चम्मच भर के मैंने लिया गरम मसाला, एक खाने का चम्मच मैं इसमें डालूंगी हल्दी, एक ही खाने का चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का, और इसके साथ इसमें जाएगा आधा चम्मच सफेद जीरा, एक खाने का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च होती है, गोल वाली ली है मैंने दो और उसको मैंने पीस लिया है। और इसमें मैं डालूंगी एक कप योगर्ट, दही, और इसके साथ ही जो चीज़ें जाएंगी उसमें 8 से 10 जवे आपने लहसुन के लिए लेनी है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन जाएगा, एक खाने का चम्मच इसमें अदरक का जाएगा, और इसमें मैं एक पूरा लेमन, बड़ा वाला कोई भी लेमन आप ले लो और वो जाएगा। अब हमने हरी मिर्च को इतना छोटा छोटा काट लेना है। साथ ही हम इसके अंदर ये जो लहसुन था वो डाल देंगे और साथ ही अदरक, और इन तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह पीस लेना है। आपको अच्छी तरह आपने पीस लेना है। आप कोई भी खुला बर्तन ले लें। इसके अंदर जो मैंने एक कप आपको योगर्ट बताई थी इसको हम डाल लेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आपको मसाले बताए थे, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और चाट मसाला, ये सब कुछ चला जाएगा इसके अंदर। सफेद जीरा, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब डाल दिया। इसके साथ ही ये जो मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च पीसा था वो भी साथ ही चला जाएगा। ये जो लेमन मैंने आपको बताया था इसको अच्छी तरह स्क्वीज कर लें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच ऑयल का डाल दें, इससे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने चिकन ले लेना, इसके अंदर हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। इस तरह से, इस तरह अपने टांगों पे भी लगा लेना। इन सब चीजों को करते हुए एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि हाथ आपके बहुत अच्छी तरह से धुले हुए हों। अच्छा, ये जो सारा हमने मसाला बनाया हुआ है, अब हम इसको चिकन पिस्ता लगा लेंगे। इसमें मैं हाथ से ही लगाऊंगी, सिर्फ ही मैं आपको बता रही हूँ सारा अच्छी तरह, कोई चीज मिस ना हो। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। अब इसको तकरीबन मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है, मैंने धागे से इसकी टांगे अच्छी तरह बांध दी हैं ताकि इसकी साइड चेंज करने में मुझे मुश्किल ना हो। आपने कोई भी खुले साइज का बर्तन ले लेना है, इसमें तकरीबन आधी चम्मच ऑयल डाल के आपने पूरा फैला लेना है। चिकन मैं रख दूंगी इस तरह से, दूसरी कढ़ाई में रख दूंगी, और जितना ये एक्स्ट्रा बचा हुआ मसाला है इन दोनों में मैं हाफ हाफ डाल दूंगी। सारा आपने डाल देना। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, आंच आपने ज्यादा तेज नहीं करनी, अभी मैंने इतनी ही रखी हुई है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसी आंच पे ये दोनों चिकन पकते रहेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये देखें, आप तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चूल्हा तेज कर दूंगी और इसको 10 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखें कितने मजे की स्टीम निकल रही है, इसको पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी।
ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है, ये तकरीबन पक चुका है। अब इसको इसी तरह मैं 20 मिनट और रखूंगी और हमारा चरगा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। रोस्ट बिल्कुल तैयार है, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत मजे का बनेगा। अगर आपको स्टीम चिकन पसंद है तो इसकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मजे का है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई डिश के साथ बहुत जल्दी। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।